तो दोस्तों नमस्कार, आज हम किचन में हैं और क्या आपने सोचा है किचन में कितने सारे साइंस होते होंगे। पानी गिलास में डालने में भी कोई साइंस इन्वॉल्व है, तो आइए मेरे साथ किचन में देखते हैं कमाल। मेरे पास ये दोनों टम्बलर एक जैसे गिलास दोनों हैं जिसमें आप पानी पीते हैं, कोई इसमें अंतर नहीं। हम ये सरफेस है, टाइल्ड है और थोड़ा सा भीगा हुआ है, बस इतना ही है कि दोनों ये भीगा हुआ सरफेस है, दोनों गिलास एक जगह रख लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ठंडा पानी किसी में आप डाल सकते हैं, एक में मैं नॉर्मल पानी ये जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको मैं डाल रहा हूँ। अब दूसरी गिलास अगर हम यहाँ पर है, इसमें हम थोड़ा सा ये गर्म पानी डाल रहे हैं, अभी ये उलट दे रहे हैं, पानी यहाँ पर बहुत गर्म हो रहा था और उसको डाल देते हैं। ध्यान से देखते रहिए इस गिलास को, क्या हुआ इधर, ये गिलास खिसक के आगे चली गई। आखिर इसमें क्या हुआ होगा, ये कमाल बहुत कॉमन सा है। ये गिलास के अंदर जो नीचे है ये थोड़ा सा इसका बॉटम क्या है, थोड़ा डिप्रेस्ड है, देखेंगे थोड़ा सा अंदर दबा हुआ है। जब ये भीगा वाले सरफेस पर क्या करते हैं, हम इसको रखते हैं तो क्या होता है कि ये लॉक हो जाता है। पानी और इसके बीच क्या होता है, ये जो एज है इसका और ये और पानी के बीच भीगे हुए सरफेस के बीच एयर लॉक हो जाती है, और जैसे ही गर्म पानी डालते हैं, ठंडा पानी जैसे डालते हैं तो ठीक है, तो वैसे ही रहता है बना हुआ वहाँ पर, और जब गर्म पानी डालते हैं तो यहाँ बीच की जो हवा है अंदर वो क्या होती है, गर्म होकर एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड करने से गिलास को थोड़ा सा उठाती है और उससे क्या होता है, ये खिसक जाता है। ठीक, तो जिधर वो थोड़ा सा नीचे पाएगा हल्का सा वो खिसक जाएगा, और ठंडे पानी के साथ ऐसा नहीं हुआ, गैस वहाँ पर एयर जो है इसमें लॉक्ड जो है वो एक्सपेंड नहीं हुई, इसलिए वहीं कम ही रह गया। तो ठीक है, तो देखा ना इसमें एक नया साइंस, तो थैंक यू वेरी मच, आप देखते रहिए और साथ बने रहिए। ओके।